सो गाइस दोस्तों वेलकम है एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज अपन खेलने वाले हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2 का एपिसोड नंबर 6। और बाकी यार लास्ट टाइम आपको याद होगा कि अपन ने सारे के सारे एम्प्लॉइज हायर कर लिए हैं, तो अब भी बस अपने पास एक ही काम है कि बढ़िया से अपनी शॉप के अंदर बढ़िया बढ़िया पीसी सेटअप्स करें। तो आज यार अपन बेस्ट बेस्ट पीसीज का सेटअप करने वाले हैं, मतलब कि अपन सब कुछ एकदम महंगा लेने वाले हैं पीसी के अंदर। जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जितने भी गाइस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और बाकी यार लाइक तो आप पहले से कर दिया होगा, और नहीं किया तो करो यार जल्दी से जाके बस लाइक का बटन दबा दो यार। तो अभी यार गाइस गेम स्टार्ट हो चुका है, और यार आप देखो एकदम प्यारी सी धूप भी निकल रखी है। तो अपन जल्दी से अपने कैफे के अंदर चलते हैं, और बाकी यहाँ पे रोज यार बंदे सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, और अपन पहले से काफी लेट उठते हैं, बट आज अपन थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। तो भाई मैं भी तेरे साथ एक आध पुशअप निकाल लेता हूँ। 1 2 5 आराम से 2 3 ओके भाई आज के लिए इतना ही, बाकी कल करने वाले अपन। ठीक है भाई बाय बाय। अभी अपन जल्दी से अपने कैफे के अंदर चलते हैं, ये अपना कैफे जल्दी से इसको करता हूँ ओपन। और अंदर की साइड में जाने से पहले बॉडी गार्ड भैया हेलो, सबको एकदम बढ़िया से देख रहे हो ना, अपन ने कल बात की थी, कोई पंगा हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। और बाकी यार इसने साइड में यहाँ पे एक छोटा सा ईयरफोन भी लगा रखा है, कोई भी पंगा होता है अपने को कॉल कर देता है। और इस साइड में तुम्हें मस्त होना एकदम बढ़िया से गुड मॉर्निंग वैसे ये मजे में। तो अभी अपन अंदर की साइड में चलते हैं, तो अंदर की साइड से आप देख रहे हो एकदम बढ़िया से सफाई हो रखी है। और अभी आप सोच रहे होगे कि ये क्या, ये कैन नहीं है भाई, ये स्प्रे है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। वैसे एक सेकंड मैं चेक करता हूँ ये खाली, ओ नहीं खाली नहीं है, थोड़ी बहुत यहाँ पे बदबू भी हो रखी है, तो मैं इसको भी पूरा एकदम बढ़िया से, हाँ अब एकदम बढ़िया से स्मेल आ रही है, इसको रख के अपन वापस से यहाँ पे अपना पहला काम है इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना। और अभी सबसे पहले तो मैं पीसी को स्टार्ट कर देता हूँ, इसे कैफे को भी ऑन करते हैं। और अभी अपने पास $20,570 हैं, एक बारी मैं इसको क्वाइट करता हूँ, और पहले यार अपन लैंप्स को ऑन कर लेते हैं। ओके डन, अभी मैंने लैंप भी ऑन कर दिए हैं, और बाकी यार एक दो नए लैंप भी मैंने परचेस किए हैं। तो यहाँ पे एक लड़की भी आ चुकी है जो कि डायरेक्ट पीसी पे जाके बैठने वाली है। एक तो मैंने ये वाला नया लैंप परचेस किया जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि इस वाले एरिया में यार थोड़ा अंधेरा सा हो रखा था। अभी तो यार पहले काफी ज्यादा बंदे आ चुके हैं, तो पहले मैं इन सभी को अप्रूव करने वाला हूँ। अपन यहाँ पे बैठे, इसको किया मैंने अप्रूव अप्रूव एंड अप्रूव, इन सभी को मैंने अप्रूव कर दिया है। अभी देखो यार अपनी शॉप को ना अपन ने पूरा पूरा अनलॉक कर लिया, बस लास्ट एक अनलॉक करना बाकी है, तो पहले अपन वही करने वाले हैं। इसको मैंने यहाँ से कट किया, अभी अपन चलते हैं माई कैफे के अंदर, अपग्रेड्स के अंदर चलते हैं, और उसके बाद में अपनी शॉप फुली अपग्रेडेड हो जाएगी। तो चालीस इसको भी काटता हूँ, और ये 3000 में होने वाली है, बट कोई नहीं यार इतने पैसे अपने पास पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैंने ओवन कर लिया है, अभी एक सेकंड, पहले तो यार एक दो बंदे और आ चुके हैं, तो इन सभी को मैं जल्दी से अप्रूव कर देता हूँ। इसको मैंने अप्रूव किया, और बाकी बाहर के साइड में यार तो यहाँ पे बम वाला बंदा है ना, उसको टाइट गोलियों से भून दिया भाई, वाह ये बढ़िया भाई, तो ऐसे लगा रहे एकदम मजा आ गया भाई। इसने यार काफी ज्यादा परेशान कर रखा था, अभी एकदम बढ़िया। अभी तो पहले मैं चलता हूँ अंदर की साइड में और चेक करता हूँ आखिरकार अपना कैफे कहाँ से बढ़ा है। अभी नीचे वाले फ्लोर पे तो मेरे को कहीं से बढ़ा लगता नहीं है, ऊपर वाली साइड में चलते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद में सामने की साइड से यहाँ पे एक रूम और ओपन हो चुका है, और ये भी काफी ज्यादा बड़ा रूम है। बाकी यार लास्ट टाइम में भी मैंने आपको बता दिया था कि जो ये वाली वॉल ना, मेरे को लग ही रहा था कि यार यहीं से ओपन होने वाला है, क्योंकि वो वाली वॉल थी वो थोड़ी सी बैक साइड में थी, तो ये यहीं से ओपन हुआ। अब यार अपने को जो ये वाला सेटअप है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, अपन क्या करने वाले हैं, जितने भाई अपने पीसी सेटअप्स होंगे ना वो सारे के सारे अपन रखने वाले हैं जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे, अपने सारे के सारे पीसी सेटअप्स यहाँ पे रहेंगे। फिर जितनी भी आर्केड मशीन्स हैं वो सारी की सारी अपन रखने वाले हैं यहाँ पे, जो ये वाला फ्लोर है ना स्टार्टिंग में ये एंट्रेंस, यहाँ पे सारी की सारी अपनी आर्केड मशीन्स रहने वाली हैं। और बाद में जितने भी अपने पीएस कंसोल्स रहेंगे वो सारी के सारी अपन रखने वाले हैं इस वाले रूम में। मतलब कि यार हर रूम अलग अलग रहने वाला है, ऐसा नहीं कि यार एक रूम में अपने सारा कुछ कर दिया फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से पहले मैं ये वाला सेटअप यहाँ पे सेट करता हूँ, ये वाला सेटअप करने वाला है अपन इस साइड में, तो ये मैंने यहाँ पे पुट किया। अभी अपने को चाहिए टेबल जो कि लगने वाली है जस्ट इसके सामने यहाँ पे, ओके डन। बस यार एक ही साथ में अपन दो दो कर सकते ना, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, एक में इतना फायदा नहीं है, दो आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा अपने रुपए में भी। तो इसको मैं थोड़ा इस साइड में रखता हूँ, और अभी इसको उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, ओके डन, ये यहाँ पे पुट किया मैंने। अभी अपनी आएगी चेयर, इसको मैंने किया यहाँ पे, ओके डन। गाइस ये वाला पूरे को पूरा सेटअप रेडी हो चुका, बट एक सेकेंड चेयर को अपने को वापस से उठा के थोड़ा पास में रखना पड़ेगा यहाँ पे, ओके डन। अभी अभी भी यार चेयर, ओ
टीवी का दिक्कत है, मैं सोचा चेयर की दिक्कत है, टीवी था इधर थोड़ा ऊपर आने वाला है या फिर जस्ट इसके यहाँ पे आने वाला है। ओके डन, अपने टीवी भी एकदम बढ़िया से लगा दिया है। तो अभी यार देखो गाइस साइड में भी एक सेटअप और आ जाएगा, वन यार एक ही यहाँ पे सेटअप है पूरा का पूरा स्पेस घिर जाता है, बट अभी अपन दो दो सेटअप कर सकते हैं और अपने 4000 रुपये आने वाले हैं। तो अभी पहले मैं चलता हूँ नीचे की साइड में और नए यहाँ पे पीसी कंसोल्स को परचेज करता हूँ और साथ ही में नए गेमिंग पीसीस को भी मैं परचेज कर लेता हूँ। और यहाँ पर बंदे भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, एक सेकंड में चेक कर दो भाई किसी को खाना चाहिए। वैसे यार अभी रात हो चुकी है तो एक लड़की बैठी है बस यहाँ पे और इस साइड में एक बंदा है तो ये भी जा रहा है, बट इनमें से किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। तो पहले अपन चलते हैं अपने पीसी पे और एक बंदा आ रखा है मतलब कि जो लड़की बैठी है उसको मैं अप्रूव कर देता हूँ। ओके डन, फिर यार आइटम्स पे चलते हैं। आइटम्स में जाने के बाद में अभी यार एक तो मैं जो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर ना आज मैं ये भी लगाने वाला हूँ तो जल्दी से इसको मैं बाय करता हूँ। ओके डन, इसको लगाने के बाद में ओ भाई मतलब कि यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर लग चुका है। अपन जैसे इसके पास में आएंगे ओपन हो जाएगा और फिर जैसे मैं वापस अंदर जाऊंगा तो क्लोज भी हो जाएगा। ये एकदम बढ़िया चीज है यार, इसके लगने के बाद में थोड़ा अपना कैफे प्रोफेशनल लग रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई किसी अमीर बंदे का यहाँ पे कैफे है तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी देखो अगर मेरे को बाहर जाना होगा तो यहाँ से अपने आप क्लोज हो जाएगा, बेफालतू में चोर है वो अंदर नहीं घुस पाएगा, तो ये काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को। अभी अपन अंदर के साइड में चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ कि और क्या क्या चीजें हैं। और अभी इस साइड में एक ओल्ड स्पीकर भी है जो कि $400 का है, पता नहीं है इससे क्या होने वाला है, बट हाँ ये भी मैं परचेस कर रहा हूँ। नीचे की साइड में वो भाई बड़ा वाला स्पीकर भी है यार, ये अभी मैं परचेस नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे करने से तो यार अपने ₹100 खत्म हो जाएंगे। तो अभी मैं एक छोटे वाले किया मैंने, तो पहले मैं ये भी खड़ा होकर चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार स्पीकर लगा कहाँ पे है। ओ समझ गया भाई, मतलब कि सारे के सारी जगह स्पीकर्स लग चुके हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे भी लग चुका है स्टेज के पास में। ऊपर के साइड में अगर मैं चल के देखूँ तो यहाँ पे भी एक लग चुका है और अभी अंदर के साइड में हेलो भाई यहाँ पे कोई है। ओके डन भाई, यहाँ पे लग चुका है, मतलब कि जैसे कि अपन यार किसी मॉल में जाते हैं या फिर किसी भी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा रहता है, या फिर किसी जिम में जाते हैं, जिम में तो यार हमेशा म्यूजिक सिस्टम लगा रहता है और इससे एकदम बढ़िया से जोश आता है। तो एकदम बढ़िया बढ़िया गाने अपन यहाँ पे चलाने वाले हैं और अभी अपन चलते हैं वापस से नीचे की साइड में। सारे के सारे स्पीकर्स यहाँ पे लग चुके हैं, अभी मतलब बंदे बोर नहीं होने वाले, अगर वो ऐसे भी बैठे तो उनको म्यूजिक बढ़िया से सुनता रहेगा। और एक यहाँ पे और बाकी एक साइड में यहाँ पे भी लग चुका है, मतलब कि अपना सेफ है, वो भी बढ़िया से गाने वाने सुनते सुनते खाना बना सकता है। अभी मैं वापस चल दूँ पहले पीसी पे और जल्दी से चेक करते कि और क्या क्या है। एक कॉफी मशीन है तो हाँ भाई ये तो परचेज कर लो जल्दी से बिना सोचे समझे, क्योंकि यार किसी बंदे को मान लो नींद आ रही है तो उसको जल्दी से कॉफी पिलाएंगे फिर वो और भी ज्यादा देर तक पीसी चलाने वाला है, अपने और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। ये भी मैंने परचेज कर लिया है। अभी इस साइड में क्या बर्गलर अलार्म भाई, ये क्या है बर्गलर भाई, ये कौन सी अलार्म है मेरे को पता ही नहीं, बर्गर अलार्म है या फिर बर्गलर अलार्म है इसका मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, इसको मैं परचेज करके देखने वाला हूँ। बाकी यार नीचे और भी काफी आइटम्स हैं, इनको यार मैं बाद में करने वाला हूँ, पहले मैं पीसी सेटअप्स करने वाला हूँ, वरना यार उसके लिए अपने पास ₹500 नहीं बचेंगे। लास्ट यार ये वाली चीज़ पे मैं चेक कर लेते हैं कि आखिरकार बर्गलर अलार्म है क्या चीज़। साइड में ये तो कॉफी आ गई अपनी, ओके ठीक है इससे कॉफी मिलने वाली है, वो कॉफी भी अपने को खुद को बनानी पड़ेगी शायद, तक साइड में कॉफी जग है और ये मेरे को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा इनसाइड। ओके भाई डन, इसके लिए शायद तक अपने को कॉफी भी मंगवानी पड़ेगी। तो एक पाई तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। और अब भी यार एक अलार्म टाइप भी कुछ आया था जो कि इस साइड में नहीं है, यहाँ पे तो सारे सारे किचन का सामान है, बाकी नीचे के साइड में भी मेरे को कोई अलार्म नहीं दिख रही। इस साइड में अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे भी यार कोई अलार्म अलार्म तो कुछ भी नहीं आया इस साइड में। हेलो भाई इसी साइड में अलार्म लगी है या फिर स्पीकर में ही सेट अलार्म, अलार्म बजते ही सारे स्पीकर्स बजने लग जाएंगे। अभी इस साइड में भी कोई अलार्म नहीं आई है, मतलब कि कुछ नया आइटम तो नहीं आया, पता नहीं यार वो बर्गल अलार्म क्या थी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया उसका, तो जैसे ही बजेगी तभी अपने को पता चलने वाला है कि आखिरकार वो है कहाँ पे, कहीं टॉयलेट में नहीं लग गई भाई। हेलो भाई ऊपर नीचे सारे चेक करने वाले हैं, अभी यहाँ पे भी वैसे कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, कभी पता चले अपन चेक कर रहे हैं अंदर कोई बंदा
पहले से टॉयलेट करने जा रखा हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ, अंदर कोई नहीं था। अब भी अपन वापस चलते हैं पीसी पे, मेरे को मिला नहीं कहाँ पे बर्गर अलार्म वो। यार अभी तो पहले जो बंदा आ रखा है इसको मैं अप्रूव करता हूँ। और बाकी यार अभी तक यार अपने बिटकॉइन माइनिंग है वो भी ऑन है, तो उससे भी काफी ज्यादा रुपए हो चुके होंगे। तो 40,000 में जितने भी बिटकॉइन हुए ना उन सभी को सेल कर देता हूँ, और फिर अपन जल्द से बढ़िया सा पीसी सेटअप करते हैं। तो मेरे को पहले चलना पड़ेगा www. अभी अपन चलते हैं क्रिप्टो में। क्रिप्टो में जाने के बाद अपने को चलना है प्रॉफिटेबल में। ओके भाई, और आज अपन ने काफी कुछ बिटकॉइनिंग लिया 4258 7260। अभी मैं पहले तो पूरा को पूरा सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट और अपन अभी $10,000 की माइनिंग कर चुके हैं। तो जल्दी से सेल ऑल करता हूँ, और अपने पास हो चुके हैं 27,985। ओ भाई काफी बढ़िया से मेरे पास डॉलर हो चुके हैं, तो इसको मैं पैक करता हूँ। अभी अपन चलते हैं जेमेजोन में जाने के बाद में सबसे महंगा प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। तो जल्दी से ऐड टू बास्केट किया है, गेमर प्रो कंप्यूटर केस से मैंने बास्केट कर लिया। और बाकी नीचे के साइड में चेयर भाई सबसे महंगी चाहिए मेरे को, जो कि 1600 की ये है, रेड एंड ब्लैक कलर की। उसके बाद में कीबोर्ड जो कि सबसे महंगा होना चाहिए 900। ओके डन, ये वाला चाहिए मेरे को गेमर एक्स कीबोर्ड। और उसके बाद में अपने को चाहिए एक मॉनिटर, क्योंकि सबसे महंगा होना चाहिए वो भाई 1549 का। ओके डन भाई, ये भी मैंने परचेस कर लिया है। अब इसके बाद में एक माउस भी चाहिए अपने को, जो कि ये भी मेरे को बढ़िया वाला ही चाहिए होगा। इसके लिए मैं लेने वाला हूँ ये 800 वाला। और अभी इसके बाद में कुछ एक डेस्क के यार मेरे को ये वाली बढ़िया लग रही है, और महंगी भी यही वाली है, तो ये वाली परचेस करने वाला हूँ मैं। अभी इसके बाद में सारा के सारा आइटम अपने ले लिया है, बस लास्ट अपना बचे एक माउस पैड की मैं लेने वाला हूँ, एकदम जेट ब्लैक, क्योंकि यार ब्लैक एकदम बढ़िया से फील देने वाला है। ओके डन, ये काम भी अपना हो चुका है। मैंने यार अभी सारा आइटम ले लिया ना, कभी यार फिर से मैं कुछ ना कुछ भूल ना जाऊँ। एक बार नजर मार लेते हैं अपन, अपने पास सीपीयू आ गया, चेयर आ गई, कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर आ गया, माउस आ गया, गेमर टेबल आ गई। ओके डन, सारा के सारा हो चुका है, और अपना एक सेटअप $7,579 का, भाई काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है अपने को। बट कोई नहीं यार, इसको तो अपन परचेस करने ही वाले थे। अभी यार मैं एक काम कर दो, 2-3 यार PS कंसोल्स भी परचेस कर लेता हूँ साथ ही साथ में। तो अपने को चलना है PS में, और आज मैं एक एक्सबॉक्स लेने वाला हूँ ये वाला। ये दोनों सेम है, जो PS5 है और जेट बॉक्स है, दोनों के दोनों एक ही चीजें हैं, बस कंपनी अलग है। तो मैं एक ये लेने वाला हूँ। अभी सारे सारा आइटम ये भी हो चुका है, और ये आइटम 5,413 का हुआ है। ओ भाई ये भी काफी ज्यादा महंगा पड़े, दोनों के दोनों आइटम मैंने परचेस कर लिए हैं। अभी इससे मैं खड़ा होता हूँ, और एक सेकंड यार मेरे को एक चीज दिखी। ओ भाई आगे साइड में ये रहा अपना, यहाँ पे बर्गलर, हम पता नहीं सही तक यार, एक साइड पुलिस वुलिस आएगी उसके लिए अलार्म है, या फिर चोर आएगा उसके लिए अलार्म है। अभी इस साइड में यार अपने सारे के सारे पीसी सेटअप्स आ चुके हैं, कंसोल सेटअप आ चुका है, तो ये सारे के सारे मैं अंदर की साइड में चल के अरेंज करने वाला हूँ। बट एक सेकंड, पहले अपन अंदर की साइड में चल के चेक करता हूँ मैं, यार जो सेटअप है पीसी का वो अपन नीचे की साइड में करें। तो पीसी को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, और अपना PS है वो अपन ऊपर की साइड में लगाने वाले हैं। तो पहले जितना भी आइटम है ये सारा का सारा मैं अंदर की साइड में लेके चलता हूँ। और अब यार सारा का सारा आइटम मिक्स भी हो रखा है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आइटम किसका है। तो एक बारी मेरे को सब कुछ ओपन करना पड़ेगा। ये दोनों के दोनों जॉयस्टिक आ चुके हैं अपने। अभी लेता हूँ एक्सबॉक्स, इसको भी लेके चलता हूँ अंदर की साइड। लाइटिंग भी लगी हुई है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब एक बार कम हो रही है एक बार ज्यादा हो रही है। भाई जल्दी से चल यार ऊपर की साइड में। ये बंदा भी यार अभी PS से लाके आ चुका है, जो नीचे की साइड में दो आर्केड मशीन थी ना वो मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब भी लेके चलते इसको अंदर की साइड में, और ये वाला रखता हूँ मैं यहाँ पे। ओके डन, तो अपना ये वाला PS सेटअप भी हो चुका है, और इस वाले पे एक बंदा बैठा है, और इस वाले बंदा बैठे भी काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो पहले तो मैं नीचे चल के यार इसको अप्रूव कर देता हूँ, और बाकी एक बंदा ऊपर की साइड में, एक नहीं दो दो बंदे आ चुके हैं यहाँ पे आर्केड मशीन चलाने के लिए भी। वैसे यार आर्केड मशीन पे काफी ज्यादा बंदे आते हैं, और आर्केड मशीन का एकदम बढ़िया सा सिस्टम है कि अपने आप ही रुपए मिल जाते हैं, इनमें अपने को अप्रूव करना पड़ता है, फिर रुपए भी लेने पड़ते हैं। तो पहले तो मैं जल्दी जल्दी इनको अप्रूव करता हूँ। ओके डन, अभी ये मैंने अप्रूव किए, और एक सेकेंड यहाँ पे एक लड़की पैसे लेके आ चुकी है। हेलो भाई, अरे मैं पैसे कैसे नहीं ले पा रहा। हेलो भाई ये क्या गली चार गेम का। हेलो मैम पैसे दो। हेलो वैसे ऐसे नहीं देने वाली, तो एक काम कर दो मैं बेसबॉल बैट इसको उठा लूँ भाई। हाँ बस अभी इससे मैं ले पा रहा हूँ, बट उससे मैं ले नहीं पा रहा था। हेलो अभी इससे भी नहीं ले पा रहा है, ये क्या ग्लिच है भाई। हेलो गेम का ये क्या ग्लिच है भाई। पैसे दो पैसे। भाई इसको मैंने मार दिया,
बट यार पैसे ले नहीं पाया था, पता नहीं क्या ग्लीच था। अब की बार मैं फिर से चेक करने वाला हूँ। अभी तो मैं इसको नीचे रखता हूँ और अपना पीसी का सेटअप है वो भी मैं कर देता हूँ। तो ये वाला पीसी भी अपना सेटअप हो चुका है और अभी मैं यार चेक करने वाला हूँ कि इस पीसी पे जो बंदा आएगा वो अपने को कितने डॉलर पे करके जाने वाला है, क्योंकि इस गेम का सबसे ज्यादा महंगा पीसी यही पीसी है। तो देखते हैं कि इससे अपने को कितने डॉलर मिलने वाले हैं। बाकी यार ऊपर की साइड में आपको पता ही है मैंने दो आर्केड मशीन से वो ऊपर की साइड में रख दी है। इस साइड में अपना पूरा का पूरा पीएस का सेटअप है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक पीएस और परचेस कर लेता हूँ और साथ ही साथ में दो कंप्यूटर और परचेस कर लेता हूँ। जल्दी से पहले अपन चलते हैं नीचे की साइड में और दोनों के दोनों अपन महंगे वाले पीसी परचेस करने वाले उनको मैं अप्रूव करता हूँ, क्योंकि यार पैसे तो काफी ज्यादा जरूरी है। और अब यार किसी बंदे ने ऑर्डर दिया है अप्रूव करता हूँ। उसने पता नहीं यार कुछ तो दिया था, शायद एक डोनट्स दिए थे या फिर कुछ और दिया था। इससे मैं खड़ा होता हूँ। अभी इस साइड में इसका ऑर्डर आ चुका है चिकन। ओ भाई ये चिकन खाने वाला है, बट पता नहीं कौन सा बंदा था। हेलो भाई किसको चाहिए, हेलो देखो चाहिए भाई, ओ इस बंदे को चाहिए भाई। यार मैं लेके भाई, यार मैं इतनी जल्दी लेके आया हूँ फिर भी तेरे को नहीं लेना यार, इसके रुपए फिर से बर्बाद हो गए। बट कोई नहीं यार, इस साइड में ओवन है तो इसके ऊपर ऐसे अपन गर्म कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, यहाँ पे आराम से गर्म हो जाएगा। अभी तो मैं इसको बंद करता हूँ, जैसे कोई दूसरा बंद आएगा ना तो उसको अपन देने वाले। अभी यार इन सबको छोड़ दो यार, अभी मैं जल्दी से है ना दो पीसी और एक गेमिंग कंसोल और परचेज कर लेता हूँ, ताकि सारा आइटम मैंने सेलेक्ट किया। अब इसी करता हूँ मैं कंप्लीट पेमेंट। ओके डन। और अब भी यार अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3,210 डॉलर बचे हैं। इनसे यार मैं जल्दी से पीएस का सेटअप कर लेता हूँ। अभी यार मैंने ये PS5 वाला भी सारा सेटअप ले लिया, बस मैंने डेस्क चेंज किया। आपके बार मैंने लिया वुडन कंसोल टेबल, बट यार ये 5,973 की है तो इसको अपन ऐसे परचेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरे को यार पहले अपने पास जितने भी बिटकॉइंस हो रखे ना इन सभी को बेचना पड़ेगा, तब भी यार अपन ये सब कुछ परचेस कर पाएंगे। तो पहले मैं इससे पैक करता हूँ। इससे पैक करने के बाद अपने को चलना है बिटकॉइन में। यहाँ पे जाने के बाद में प्रॉफिटेबल सेल, ऑल सेल होने के बाद हाँ अपने पास 5,000 हो चुके हैं। PS5 का सेटअप भी मंगवा लिया है, इसको भी अपन जल्दी सेटअप करते हैं। और बाकी यार अभी तक मैं रुपए नहीं ले पा रहा, पता नहीं यार गेम का क्या ग्लिच है, प्लीज यार रुपए दे दो। तो फाइनली गाइस अपना PS का सेटअप आ चुका है, तो जल्दी से मैं इसको भी अरेंज करता हूँ। और राइट गाइस, तो यार मैंने सेटअप कंप्लीट कर दिया है। अभी बस यहाँ पे एक तो बंदे आ रखे, इनसे मैं पैसे ले लेता हूँ यार। अभी भी पैसे नहीं ले पा रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इनको यहीं पे मारूंगा तो बाद में अपने को रुपए भी नहीं मिलेंगे, बट अगर ये यहाँ से बाहर जाएगा तो बॉडी गार्ड इसके मार को रुपए ले लेगा। तो अभी गाइस पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने सेटअप्स कर लिए हैं। और जो आप बाहर की साइड में अलार्म देखे थे वो पता है किस चीज की है, वो अलार्म जैसे कोई बंदा यहाँ से बिना रुपए देके जाएगा तो अलार्म बजने लग जाएगी। वैसे यार साइड हो जा प्लीज, जैसे मतलब बंदा बिना रुपए देके जाएगा तो यहाँ से अलार्म बजेगी, या फिर चोर अंदर आएगा तो अलार्म बजेगी, या फिर बम वाला बंदा आएगा तो ये अलार्म बजने वाली है। और अभी गाइस आपको मैं जल्दी पहले सेटअप दिखाता हूँ। 1, 2 and 3 इस साइड में आप देख रहे हो अपने पास तीन सबसे ज्यादा महंगे सबसे बढ़िया गेमिंग सेटअप हो चुके हैं। और अब की बार मैंने चेयर को थोड़ा चेंज कर लिया है। अब की बार मैंने लिया डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू कलर की चेयर जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और ये तीनों के तीनों पीसी मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और अभी अपनी कैफे की लुक भी काफी ज्यादा बढ़िया आ रही है। और ऊपर की साइड में आपको चल के दिखाता हूँ, बट उससे पहले इस पीसी पे एक बंदा आगे बैठे है जो कि ऊपर से टकलू और नीचे से बियर्ड है उसकी, कटप्पा बन रखा है। इसका अपन अप्रूव कर देते हैं, इसको मैंने किया अप्रूव। ओके डन, ये सक्सेस अप्रूव कर दिए। और ये बंदा वैसे कुछ चीज के लिए हो रहा था क्या, अपने कैफे को देख के खुश हो रहा है। ओ भाई कैसा कैफे है। अभी अपन जल्दी से चलते ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में भी मैंने दो दो नए पीएस और लगा दिए हैं। मैम जल्दी चलो, तुम भी मैम जल्दी 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 चलो नीचे की साइड में, मैं भी साथ ही साथ में इनके नीचे नीचे आ रहा हूँ। अभी इस साइड में चले के अगर आप देखोगे तो ये वाला सेटअप अपन ने कर ही लिया था। और अभी इस साइड में ये वाला सेटअप भी मैंने कर लिया है। यहाँ पे एक वुडन कंसोल टेबल है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। एक अपना PS5 है, दो अपने रिमोट है, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। और इस साइड में मैंने चेयर को थोड़ा चेंज किया, अब की बार मैंने चेयर ली ग्रीन एंड ब्लैक कलर की। और बाकी अपनी टीवी स्क्रीन जो सेम जो कि सबसे ज्यादा महंगी सबसे ज्यादा FPS इसके अंदर आती है वो वाली ये है। देखो यहाँ पे भी 1, 2, 3 सेटअप हो चुके हैं, बस अपनी आर्केड मशीन थोड़ी कम है। तो अभी तो यार अपने पास इतने रुपए बचे नहीं, क्योंकि अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ
$2,369 जो कि बस अभी हुए हैं, तो जैसे जैसे अपने पास रुपए और होंगे तो उसके बाद यहाँ पर यार आर्केड मशीन भी परचेज करने वाले हैं। और अभी दो पे और बंदे आ चुके हैं तो इनको भी मैं जल्दी से अप्रूव कर देता हूँ। और वैसे मेरे को लगता है कि अब यार काफी बढ़िया से अपनी कमाई होने वाली है, इन सभी को मैं अप्रूव करता हूँ। ओके डन, ऑर्डर काफी ज्यादा आ रखे हैं तो एक यहाँ पे कॉफी कप चाहिए किसी को। ओके डन, एक सेकेंड यार कॉफी कप वाला बंदा जा चुका और एक किसी को चाहिए यहाँ पे ये चिकन, तो अप्रूव करता हूँ इसको। और ये पता नहीं मेरे को क्या, बट मैं इसको भी अप्रूव करता हूँ। बस ये दोनों बंदे यार यहाँ से खड़े होके ना चले जाएं, भाई जल्दी से रेडी कर दो। ओके डन, इसने रेडी कर दिया है। इस साइड में ये वाला किसको चाहिए, हेलो भाई चिकन किसको खाना है, चिकन ले लो, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। अब इसको चाहिए, बट इसको मैं दूं कैसे, हेलो क्या मेरे को रखना है यहाँ पे, हेलो भाई हेलो, क्या मैं टेबल पर रख सकता हूँ, वो भाई यार मैं टेबल पर नहीं रख सकता। और मैं इसको दे सकता हूँ, नहीं यार मैं इसको दे भी नहीं पा रहा, देखो समझ नहीं आ रहा मैं इसको दूँ कैसे यार, हेलो भाई कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा इसको देने का, ना ही तो मैं इसको इसे दे पा रहा। गाइस अगर आपको पता है तो मेरे को यार कमेंट में जरूर से बताना। और ये बंदा यहाँ से खड़ा होकर जाने लगा, भाई ये खाना वेस्ट हो गया यार, वैसे वेस्ट होने नहीं दूंगा मैं इसको, वापस से यहाँ से गर्म करके किसी और बंदे को दे दूंगा। और एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो अभी यार गाइस मैं चेक करके तो वापस आ चुका हूँ। और यार मतलब कि मैंने चेक किया उसमें तो सिंपल है, किसी बंदे को चाहिए तो अपने को उसके ऊपर एरो करके ई प्रेस करना है, वो ले लेगा। अपने गेम के अंदर शायद ग्लिच हो गया या फिर पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है, मैं बंदे के पास जाऊँ तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा उसको देने का, मैं ई प्रेस कर रहा हूँ फिर भी नहीं दे रहा है ये शायद तक। मेरे को या तो गेम को वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यार इसको अपन कल वापस इंस्टॉल करके भी देखने वाले हैं। मेरे को तो यही इश्यू लगता है यार, क्योंकि इस गेम के अंदर आपके पास बग्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं, तो ये भी एक दिक्कत ही है, काफ़ी कुछ अपन उठा भी नहीं पाते। जैसे कि देखो पाके साइड में ये वाला आइटम पड़ा है, ये मैंने मंगवाया था, बट अभी इसके ऊपर मैं एरो कर रहा हूँ मैं इसको उठा ही नहीं पा रहा, इसके ऊपर ऑप्शन ही नहीं आ पा रहा। ओ अभी आया, एक सेकंड हेलो भाई अभी आया, मतलब ऐसा कुछ होता है कभी आता है कभी नहीं आता, तो यार शायद तक मेरे को गेम को वापस से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइस सेम ही मैं दोबारा से कर लूँगा। और बाकी भाई बेकर भी आ चुका है, इसको क्या काम है भाई, बात करते हैं, इसने अपनी लास्ट टाइम में मदद की थी, तो एक बार मैं इससे बात करता हूँ। ड्यूड देयर अ बिग फाइट, कैन यू ब्रिंग मी 3 बेसबॉल कोर्ट्स। ओ भाई बिल्कुल देंगे, बताते हैं किसके साथ पंगा हो गया, अभी साले की ऐसी तैसी करते हैं, मैं भी बेसबॉल बैट लेकर आता हूँ, बता भाई तू मेरे को एक बार बस बंदे को दिखा दे, साले को वहीं पर गाड़ देंगे अपन। एक बार जल्दी से बेसबॉल बैट लेकर, तो पंगा किसने लिया अपने दोस्त के साथ, भाई बेसबॉल बैट दे दूँ, बेसबॉल बैट दे जल्दी से, हेलो जल्दी से इसको मैं लेता हूँ, भाई पंगा किसने ले लिया अपने दोस्त से, इसको बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। हेलो भाई बेगर भाई किस साइड में गए, ओ भाई पता किसने पंगा लिया, अब भी साले की ऐसी तैसी करते हैं। ओके भाई ये बोल रहा है कि यार मैंने कुटाई वुटाई पहले ही कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अभी बेगर का काम भी पूरा हो चुका है, तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक, अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ में कमेंट में कुछ जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बाकी गाइस कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, गाइस बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।